नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। आज एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फेसबुक लाइव आए और फेसबुक लाइव आने के बाद उन्होंने सरकार पर खूब निशाना साधा। जी हाँ, उन्होंने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया, साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भी निशाना साधा। कल जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अस्पताल सरकार को सौंपा, अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर बनाया, ऐसे में कल मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा केवल दरी बिछा देने से कोई अस्पताल नहीं बन जाता है, जिस पर आज तेजस्वी यादव ने मंगल पांडे को सुना दिया है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने फेसबुक लाइव के दौरान कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो हैं वो केवल बोलने का काम करते हैं, धरातल पे कोई काम नहीं करते हैं। अस्पतालों में मंगल पांडे ने तो दड़ी तक नहीं लगाया। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। मंगल पांडे खुद कह रहे हैं कि अस्पतालों में वेंटिलेटर चलाने वाला नहीं मिल रहा है, ऐसे में इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो तेजस्वी ने कहा कि बिहार के अस्पतालों में कमियां हैं, बहुत ही ज़्यादा कमियां हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उन्होंने सवाल किया मंगल पांडे से। तेजस्वी ने आगे कहा कि MBBS के फाइनल ईयर के स्टूडेंट सरकार से डिमांड कर रहे हैं, वे लोग सरकार को सहयोग देने को तैयार हैं, उनकी संख्या 900 के बराबर है, हम उन स्टूडेंट्स का समर्थन करते हैं, सरकार को उनकी शर्तों को पूरा करना चाहिए। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए डॉक्टरों और नर्सों की बहाली की जानी चाहिए। बिहार में सबसे अधिक इस कोरोना संकट के दौर में अगर किसी की जाने गई है तो वे डॉक्टरों की जाने गई है, ऐसे में बिहार सरकार को डॉक्टरों की नियुक्ति की करनी चाहिए, तेजस्वी यादव का ऐसा कहना था। और उन्होंने आज मंगल पांडे को भी खूब सुनाया। देखा जहां वो कह रहे थे कि कोई बिना परमिशन के अस्पताल नहीं चला सकता, हम आदरणीय मंगल पांडे जी को भी कहना चाहते हैं, हमें पता है बिना अनुमति के कोई अस्पताल नहीं चला सकता, इसलिए हमने आपसे निवेदन किया है सरकार से कि आप इसको टेक ओवर कर लीजिए। अब पता नहीं इन लोगों को कौन सी भाषा समझ में आती है। मेरे पिछले कल के वीडियो में अगर आप देखें जो हमने स्टेटमेंट दिया, इसमें साफ तौर पर बोला है मैंने कि ये सरकारी आवास है इसलिए हम नहीं चला सकते, इसलिए जो भी सुविधाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, ज़रूरत है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं देने के लिए, लेकिन आप चलाने का काम कीजिए, अगर नहीं चला सकते तो अनुमति दे दीजिए, हम लोग जो है हम ही लोग चलाने का काम करेंगे। लेकिन बिहार की यथावत जो सिचुएशन है, जो ज़मीनी हकीकत है अस्पतालों की, आपने देखा होगा हमारे टाइमलाइन पे भी कि दरभंगा का जो अस्पताल है किस प्रकार से भूत बंगला टाइप का लग रहा है। और मंगल पांडे जी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कोई बिछावना लगा देने से कुछ होता नहीं है। मंगल पांडे जी, अगर आपने तो अस्पतालों में बाहर दरी तक नहीं बिछाई, दरी तक नहीं लगाया आप लोग, क्या अस्पतालों की हालत है? PMCH चले जाइए, NMCH चले जाइए, IGMS चले जाइए, या बिहार के मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में चले जाइए, दूर दराज के अस्पतालों में चले जाइए, कई कई 2006 से निर्माण ही हो रहा है अभी तक अस्पतालों का, और वहाँ क्या स्थिति है? लोग जमीन पर, फर्श पर, बिना एम्बुलेंस के लोगों को, शव को ठेले में ले जाया जा रहा है, दवा नहीं मिल पा रही है, वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, आपके अस्पतालों में कुत्ते सोए रहते हैं, थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाता है। और यहाँ तो हम लोग जो है हर एक प्रयास करना चाहते हैं, कोई राजनीति नहीं करना चाहते, सहयोग करना चाहते हैं। और अभी से नहीं, जब से ये लॉकडाउन, ये कोरोना काल आया है, एक साल पहले से हम लोगों ने हर एक प्रयास जो है हम लोगों ने किया है, और सहयोग हम लोग सरकार को देना चाहते हैं ताकि बिहार के लोग जो हैं सफर ना करें। इसलिए कल जिस प्रकार का बयान सरकार द्वारा आया, लगता है हमारी भाषा उनको समझ में नहीं आती है, या कौन सी भाषा समझ में नहीं आ, कौन सा भाषा वो समझते हैं ये पता नहीं है। साफ तौर पे उसमें ये लिखा गया कि हम कोई अस्पताल नहीं बल्कि हम सहयोग करना चाहते हैं, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है अस्पतालों में, वेंटिलेटर जो है वो टेक्नीशियन जो है वो चलाने वाला नहीं। हमने अखबार में ही जो है हमने एक बयान देखा जहां मंगल पांडे जी खुद कह रहे हैं कि वेंटिलेटर चलाने वाला नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें,
आप समझ सकते हैं हम लोगों का गला फट गया चीख चीख करके कि जो रिक्त पदे हैं, अभी से नहीं लगातार कई सालों से हम लोग कहते रहे हैं कि जो रिक्त पदे हैं उसको भरने का काम किया जाए, चाहे डॉक्टर्स हो, नर्स हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, क्यों नहीं अब तक सरकार ने इस कमी को पूरा किया, खाली पदों को भरने का काम किया। आप एक साल से क्या कर रहे थे, अब जा रहे हैं आप ढूंढने कि वेंटिलेटर कौन चलाएगा। अब वेंटिलेटर तो पहले था भी नहीं, तो हम लोग विधानसभा से लेके सड़क तक आंदोलन किए, आवाज उठाए, तब जाकर के वेंटिलेटर आया। अभी भी 200 कुछ वेंटिलेटर है, उसको चलाने वाला कोई नहीं है, आ भी गया तो उसका क्या उपयोग है, ना के बराबर ही है वेंटिलेटर। लोगों को जब मिल ही नहीं रहा इसका सुविधा तो क्या हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है। 15 साल से ज्यादा हो गया इनको सत्ता में एनडीए के नीतीश कुमार जी के आए हुए, अब तक जो है अस्पताल ही नहीं बन रहे, इनसे कोई सुविधा नहीं है, वेंटिलेटर चलाने वाला नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे।